When summers are fading away and winter is coming, what will be the best travel destination than Jaisalmer to travel in India? मैं हूँ ज्योति और 3 दिन के इस ट्रिप में आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस गोल्डन सिटी जैसलमेर। Founded by Rajput ruler Rawal Jaisal, Jaisalmer sits in the heart of Thar Desert and will take your breath away with its majestic forts, fascinating havelis, ancient Jain temples and sparkling sand dunes. जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं क्योंकि इस सिटी में सैंडस्टोन बहुत पाया जाता है। जब इस सिटी पे सन रेज पड़ती है तो पूरी सिटी सोने से चमकती है, और जब इस सिटी के बीचों बीच एक मैजेस्टिक पैलेस हो, द जैसलमेर सिटी पैलेस, और वो पूरा सैंडस्टोन से बना हो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। ऐसा ही कुछ सुंदर नज़ारा देखने हम भी आए हैं जैसलमेर फोर्ट में। अभी हम निकले हैं जैसलमेर फोर्ट के लिए और ये है उसका सेकंड गेट, सूरज पोल। इसको भी टूरिस्ट प्लेस में ऐड किया गया है, तो अभी मैं कंप्लीट व्यू जैसलमेर फोर्ट का आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। लोकली कॉल्ड द सुनार किला, द जैसलमेर सिटी फोर्ट इज इंडियाज ओनली लिविंग फोर्ट, मतलब इस फोर्ट में आज भी लोग रहते हैं। घर, रेस्टोरेंट, होटल, मंदिर, दुकानें, म्यूजियम सब हैं इस फोर्ट में। जैसलमेर फोर्ट की ये हिस्टोरिकल गलियाँ, इसका हर एक कोना और यहाँ का ये गोल्डन पत्थर एक ऐसे वक्त की कहानी कहते हैं जो बाहर की दुनिया के लिए तो बीत चुका है, पर इसकी झलक यहाँ आज भी देखने को मिलती है। इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। इस किले के 4 द्वार हैं और इसके अलावा यहाँ आप राजा और रानी महल विजिट कर सकते हैं। These are converted into a museum and यहाँ की टिकट 200 रुपये पर पर्सन है, और यहाँ पर आप राजा के महल से एंटर एंड रानी के महल से एग्जिट करेंगे। You can witness amazing architecture and from the top of the palace you can have splendid view of the whole Jaisalmer city. You can also stay for a night in this fort. इसी फोर्ट में 7 जैन टेम्पल्स भी हैं, where you can visit and you can go to Cannon Point on this fort, from where you can enjoy whole city view and you can go to coffee house here and enjoy amazing views. किले से कुछ ही दूर जैसलमेर में बनाई गई है ये हवेली, पटवाओं की हवेली, which took 60 years to build. तो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ पटवाओं की हवेली और उसके टॉप पे मैं हूँ, और यहाँ की जो टिकट है वो है 150 रुपीज पर पर्सन। 19th century में पटवा गुमान चंद बिल्ड 5 हवेलीज फॉर हिज सन्स, बट ऑन द आउटसाइड दे लुक लाइक 1 सिंगल grand haveli। दे आर ब्यूटिफुली कार्व्ड, एम्बेडेड एंड पेंटेड टू गिव अ मेजेस्टिक लुक। इस हवेली में यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स, जहाँ पे आप पुरानी करेंसीज, पुराने बर्तन और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। इसके रूफ टॉप से आप जैसा कि देख सकते हैं, पीछे आपको पूरा बड़ा जैसलमेर फोर्ट भी दिखाई देगा। दिस अमेजिंग व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हवेली विल मेक योर डे। इस हवेली के आसपास यू विल एक्सपीरियंस ट्रू कल्चर ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आपको राजस्थानी पपेट्स देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे म्यूजिक आर्टिस्ट आपको गाना गाते हुए भी दिखेंगे। इस हवेली को विजिट करने के बाद यू कैन विजिट गडीसर लेक। गडीसर लेक, और इस लेक का व्यू आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में या इवनिंग में आप यहाँ पे आके बोटिंग कर सकते हैं और व्यूज का मजा ले सकते हैं। गडीसर लेक को जैसलमेर के पहले महाराजा राजा रावल जैसल ने बनवाया था। एक टाइम पे ये जो लेक है, इसका पानी पूरे जैसलमेर को पानी देता था,
आज ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, घंटों यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पे सनसेट इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक पे शाम के टाइम आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और पानी में पैर डाल के घंटों यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। एक अच्छे सनसेट के साथ हम एंड करते हैं अपने डे वन को। जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है कुलधारा गांव। कुलधारा को कुलधारा अबेंडेंट विलेज या फिर गोस्ट विलेज या फिर कुलधारा हेरिटेज साइट कहा जाता है। और ये जो विलेज है, इसको जैसलमेर ने टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे रखा हुआ है और यहाँ पे आने की पर पर्सन की जो टिकट है वो 10 रुपीज़ लगती है और अगर आप 4 व्हीकल से आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ आपके पार्किंग के चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। और इस जो विलेज की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं और ये जो गांव है, ये पूरा का पूरा गांव एक रात में ही खाली हो गया था। पूरा का पूरा ये गांव एक ही रात में पूरा खाली कर दिया गया था। उसके पीछे अलग अलग कहानियाँ बताई जाती हैं जिसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग लोगों की धारणाएं इसको लेके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस विलेज के ऊपर कोई गोस्ट का साया था और ये एक हॉन्टेड विलेज है, इसलिए वो रातों रात खाली हुआ। और कुछ का मानना है कि यहाँ से ऐसी वार्निंग आई थी कि लड़कियों को यहाँ से उठाया जाएगा, तो इसलिए रातों रात इस गांव को खाली कर दिया गया। आज के टाइम पे ये जो गांव है वो बिल्कुल खाली है और यहाँ पे आपको इस गांव के टूटे फूटे मकान और सारी चीज़ें दिखाई देंगी। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई है, नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी ये सुरंग है, इसके नीचे भी आप जाके देख सकते हैं। एक ज़माने में दिस विलेज वॉज इनहेबिटेड बाय द वेल्दी पालीवल ब्राह्मिन्स, बट ड्यू टू द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द पावरफुल मिनिस्टर ऑफ जैसलमेर सलीम सिंह, दे वर फोर्स टू लीव द विलेज एंड इट हैज सिंस रिमेंड अबेंडेंड। कुछ लोगों का मानना है कि दीज ब्राह्मण्स कर्स्ड द विलेज बिफोर दे लेफ्ट एंड सो इट रिमेन्स इन रूइंस इवन टुडे। तो फ्रेंड्स, कुलधारा विलेज से अब हम आए हैं खाबा फोर्ट, जो कि कुलधारा विलेज से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ तक पहुँचने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगने वाला है। रोड बिल्कुल सही है, आप आराम से पहुँच सकते हैं और यहाँ की जो टिकट है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप सैम सैंड ड्यून्स जाते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें रास्ते में ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हुए सबसे पहले आप अमर सागर लेक विजिट कर सकते हैं, उसके बाद आएगा कुलधारा अबेंडेंट विलेज, उसके बाद आप जा सकते हैं खाबा फोर्ट और यहाँ से विजिट करके आप सैम सैंड ड्यून्स पहुँच सकते हैं। इस तरीके से एक ही रूट पे आपकी काफ़ी जगहें कवर हो जाएंगी। तो इस फोर्ट का कंप्लीट व्यू अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। Once a part of Kuldhara, Khaba is another village which remains deserted under mysterious circumstances. Khaba Fort एक टाइम पर सराई फोर्ट था, जहां सिल्क रूट से जाने वाले सभी व्यापारियों को एक रात रुकना पड़ता था और अगले दिन टैक्स भर के ही उन्हें आगे जाने मिलता था। People believe that both these places are cursed and thus haunted. अब haunted और not haunted, that is for you to decide. But this place has definitely a story to tell. इसके बाद अगर आपको इंडिया में दुबई वाली फीलिंग चाहिए तो यू कैन विजिट सैम सैंड ड्यून्स। और हमने जो स्टे किया है वो है समा डेजर्ट कैंप। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई विल सजेस्ट इज टू स्टे फॉर अ नाइट हेयर एट कैंप साइट, बिकॉज दिस विल बी अ कम्प्लीटली यूनिक एक्सपीरियंस। इफ यू वॉन्ट टू फील द डेजर्ट, आई विल सजेस्ट यू टू स्टे हेयर।
डेजर्ट सफारी कैंप से ही आपको जीप सफारी भी मिल जाएगी, जो आपको लेके जाएगी थार डेजर्ट। वहाँ पर ड्यून बैशिंग होगा, कैमल राइड होगा, रात को डिनर एंड कल्चरल शो होगा, कैमल राइड होगा एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट भी होगा। ऑल ऑफ दिस पैकेज विल कॉस्ट यू अराउंड ₹3,000। सो नाउ एट इवनिंग टाइम जीप सफारी विल टेक यू टू द डेजर्ट। यहाँ पर आप क्वाड बाइकिंग, हॉट एयर बैलून, जीप सफारी, कैमल राइडिंग, ड्यून बैशिंग कर सकते हैं एंड यू कैन विटनेस वन ऑफ योर बेस्ट सनसेट हेयर। तो ड्यून पे सनसेट का फील लेने के बाद नाउ यू कैन कम बैक टू योर कैंप एंड यू विल बी वेलकम्ड हियर इन अ रॉयल स्टाइल एंड नाउ यू कैन एंजॉय राजस्थानी कल्चरल फोक डांस सिंगिंग परफॉर्म बाय लोकल आर्टिस्ट फ्रॉम जैसलमेर। इसके बाद बोन फायर के चारों ओर चक्कर बनाकर रैंडमली लोगों के साथ डांस करते हुए डे टू ऑफ जैसलमेर ट्रिप कम्स टू एन एंड। डे थ्री में यू कैन गो टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड उसके आसपास की जो भी प्लेसेस हैं आप वो कवर कर सकते हैं। 2 hours जर्नी फ्रॉम सैम डेजर्ट विल टेक यू टू तनोट माता मंदिर। तो फ्रेंड्स जैसलमेर में अब हम आए हैं तनोट माता मंदिर। तनोट माता मंदिर बहुत ही फेमस यहाँ की जगह है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पाकिस्तानी आर्मी अटैक्ड ऑन तनोट और तब 3,000 के करीब बॉम्ब तनोट माता मंदिर की ओर फेंके गए थे, लेकिन कहा जाता है कि उनमें से एक भी बॉम्ब यहाँ नहीं फटा और उसके बाद से BSF ऑफ इंडिया टुक ओवर द कमांड ऑफ द टेंपल एंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टेंपल। यहाँ आज भी उन बॉम्ब्स को डिस्प्ले में रखा गया है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और दूर दूर से लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर आप विजिट कर सकते हैं। बॉर्डर विजिट करने के लिए आपको परमिट बनवानी पड़ेगी जो बिल्कुल फ्री में बनती है एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाते टाइम यू विल एंजॉय दिस रोड जर्नी अलॉट। यू विल सी दिस अमेजिंग रोड, दूर दूर तक आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा एंड वंस यू रीच देयर सीइंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड नोइंग अबाउट इट विल बी अ वेरी एडवेंचरस एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स यहाँ बॉर्डर पे आप इस टावर के ऊपर चढ़ के कंप्लीट व्यू देख सकते हैं। इस साइड मेरे ये है पाकिस्तान और यहाँ पे है ये इंडिया, पूरा बॉर्डर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद तनोट से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यू कैन विजिट लोंगेवाला। तो फ्रेंड्स तनोट माता और इंडो पाक बॉर्डर देखने के बाद हम आए हैं लोंगेवाला। लोंगेवाला वॉर म्यूजियम या फिर लोंगेवाला बैटल फील्ड आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जो लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, उसके कुछ रिमेन्स यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। ये आप ट्रक देख सकते हैं, ये
पाकिस्तानी सेना का ट्रक है जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ टैंक ट्रक्स पाकिस्तान के आज भी इंडिया के कब्जे में यहाँ पे रखे गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंट्री फीस टिकट यहाँ की अभी कोई नहीं है। मैं आपको ये बैटल फील्ड के नज़ारे दिखाती हूँ और यहाँ पे अलग अलग टैंक्स वगैरह जो भी पाकिस्तान के हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं लोंगे वाला वॉर म्यूजियम या लोंगे वाला बैटल फील्ड। हेयर यू विल सी लोंगे वाला वॉर मेमोरियल। लोंगे वाला वॉर मेमोरियल कोमेमोरेट द बैटल ऑफ लोंगेवाला जो दिसंबर 1971 में भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई थी। अ वेरी लार्ज पाकिस्तानी आर्मी वॉज डिफीटेड और हिंदी सिनेमा की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर इज बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ लोंगेवाला। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इंडियन आर्मी की पावर को और अब हमारे इंडियन आर्मी के समर्थक को देखना चाहते हैं तो आप लोंगेवाला ज़रूर से ज़रूर आए। हमारी जीत की निशानी आप आज भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान का टैंक जो हमारी इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय करके अपने कब्जे में ले लिया और ये एज इट इज़ यहाँ पे अभी भी लोगों को देखने के लिए अवेलेबल है। तो आप लोंगेवाला में ये सब चीज़ें देख सकते हैं और बाकी का भी व्यू मैं अभी दिखाती हूँ आपको। चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, हमारी इंडियन आर्मी के बलिदान की मेमोरी के साथ हमारा गोल्डन सिटी का सफ़र ख़त्म होता है। मिलेंगे किसी और शहर में। तब तक आप देखते रहिए गजब यात्रा फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खम्मागनी।